शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तो तू घर आ गया है ना लल्ला, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। तू बैठ, मैं जल लेके आती हूँ। प्रभु को भय कैसे लग सकता है? हाउ? तुमने कान्हा को वन में जाने से रोकने के लिए ये उपाय निकाला? मुझे ना पता था जी कि चेता भयभीत हो जाएगा। बालकों को भयभीत करने का ये तरीका सही ना है यशोदा। यदि एक बार उनके मन में ये भय बैठ गई तो उनका आत्मविश्वास खो जाता है और जीवन में कछु भी कार्य करने से पहले उन्हें हिचक होती है। ऐसे बालक जीवन में पीछे रह जाते हैं। मैया बाबा होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि अगर उनके मन में किसी भी प्रकार का भय है तो हम उस भय को निकालें और उन्हें वीर बनाएं, उन्हें संसार का सामना करना सिखाएं। अब तो समझ गई ना जी, अपनी भूल सुधारूंगी मैं। कैसे? आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? आप तो सभी के भय मिटाते हैं। पूरे संसार को अंधकार में ढकेलने वाले भयानक असुर हिरण्याक्ष से भी भयभीत नहीं हुए थे आप? पहरा बनकर उनका श्रृंगार किया था। राक्षसों के राजा रसानंद रावण से भी भयभीत नहीं हुए आप? राम बनकर उसका भी वध किया था। तो आप हाउस से कैसे भयभीत हो सकते हैं प्रभु? बचाने का स्थान पर फिर से फंसा दिया जाऊ। बलराम ने तो प्रभु का पूरा रहस्य उजागर कर दिया, अब यशोदा क्या करेगी? जिसने भगवान जी खेल के सीखो है, या जे सब आपने सिखाए हुए? कोई भी कार्य करते समय या इसे सुलाते समय जब ये हट करने लगता है ना, तो मैं उसे पुराणों और उपनिषदों की कहानियां सुनाती। इसने उन सारी कथाओं को स्मरण रखा है और आज अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग कर रहा है। ये सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ यशोदा। बाल बाल बज गए दाऊ। अच्छा ही हुआ कि मैया को कोई संदेह नहीं हुआ, अन्यथा कोई ना कोई अनोखा निर्णय ले लेती है। मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी भूल कैसे सुधारनी है, अपने कान्हा को अनुशासित कैसे करना है, इसे शरारत करने से कैसे रोकना है, इसे पढ़ा लिखा के इसकी शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। अरे मैया बिना अभी तो कछु और सिखाना है मुझे। कान्हा की शिक्षा कल किससे आरंभ करूं? गिनती से? ना,
वर्णमाला से। हाँ, कल मैं इसे स्वर सिखाऊंगी। योजना कल सुबह बना लेना यशोदा, सो जाओ अभी। तभी ना समझते जी, योजना तो अभी से बनानी पड़ेगी ना, सुबह तो पढ़ाई आरंभ होगी कान्हा की। यो कर लो बात, अब गोपालक कब बनूंगा मैं और कैसे? के लिए क्षमा कीजिएगा महाराज, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए कुछ अवश्य भोजन के कारण कुछ। ऐसा क्या खा लिया दुर्जन, क्यों पचा नहीं पा रहे? मेरी दुर्बलता तो एक ही है महाराज, मिठाइयां। जब वो मेरे समक्ष होती है तो रहा नहीं जाता। जो सबसे अधिक प्रिय हो यदि वही विष बन जाए तो खुद की रक्षा करना कठिन हो जाता है दुर्जन। सही कहा महाराज, आगे से स्मरण। उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है? पता नहीं महाराज। पता करो तुम जाओ मेरा गुप्तचर बन के वृंदावन और पता करो ये उस विष्णु अवतार को सबसे अधिक प्रिय क्या है। पंडित वाला किसान, जिस बेस में जाना है जाओ, किंतु एक दिन के भीतर भीतर मुझे सूचना दो किसी भी मूल्य पर। जाओ क्या होगा तुम सबको? प्रभु, जब से आपने गौपालक बनने की इच्छा प्रकट की है हम सबके लिए एक एक क्षण भी काटना कठिन हो गया है। भूख प्यास सब मिट गई है प्रभु, जब आप गौपालक बनेंगे तो हमें आपके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बस इसी आशा में हम सब व्याकुल हैं प्रभु। चिंता मत करो, मैं तुम सबके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा, शीघ्र ही गोपालक बनूंगा मैं। हो गए यशोदा ना? वो तो मैं बस। और एक बात बताओ, तुम वर्णमाला का अभ्यास कर रही हो अभी इतनी सुबह सुबह, और ये क्या बना रही हो? कछुआ है। अरे दिखाओ ना। नंदराज, वो गौशाला में आपकी आवश्यकता है। आ तो पहले की काना हो जाए मैं से सभी तैयारियां कर लेती हूँ। पहले तो सब चारा समाप्त कर दिया था, अब कछु ना खा रही है।
लगता है बन की घास का स्वाद भूल गए ने। तब तो हमें गौचारण आरंभ करना पड़ेगा। पर वो भी इतना सरल ना है नंदराज, गौपालक कम है और गैयाएं अधिक हैं। अभी कली वन में दो गैयाएं भटक गई थी, बड़ी कठिनाई से मिली है। तब तो हमें गौचारण के लिए नए बालकों को प्रशिक्षण देना हो। मैं हूँ ना बाबा, और मैं भी तो हूँ छोटे बाबा, अपने डंडे के साथ तैयार हूँ गोपालक बनने के लिए।